हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अनकट विद ए न्यू व्लॉग। आज है अहोई अष्टमी का फास्ट और मेरी तरफ से आप सभी मम्मियों को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस व्रत में 12 बजे के बाद पूजा कर लेते हैं, कथा पढ़ लेते हैं, तो मैं भी वही कर रही हूँ। मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उनको बिठा के मैं कहानी कह देती हूँ अहोई अष्टमी की और पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड बने रहिए मेरे इस नए व्लॉग में मेरे साथ। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है अहोई आठे, उससे ठीक 7 दिन पहले उसी वार को पड़ता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस वार की दिवाली होती है उसी वार का ये व्रत पड़ता है। जैसे आज है मंडे, तो मंडे की दिवाली है ना। हाँ बेटा क्या हुआ? नहीं पताशे खा ले। माता के पास पहुंचा दिया तो शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिन बाद आई। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न हो बोली तूने मेरे सिर में बहुत सी सिलाई डाली है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है अहोई अष्टमी और आज अहोई अष्टमी का फास्ट है मेरा। सारी माएँ ये फास्ट अपने बच्चों के लिए करती हैं तो मैं भी अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती हूँ। और आज मैं सुबह सुबह ही नहा ली थी क्योंकि इस फास्ट में 12-1 बजे तक कथा कह देते हैं। तो मैं सुबह सुबह नहा के रेडी हो गई थी और तो कथा भी मैंने कह ली है बहुत अच्छे से। बच्चे आ गए थे, सुबह का काम पूरा निपटा दिया था, खाना पीना बन गया था और नहा धो के कपड़े भी धो दिए थे। अब इस फास्ट में ना निर्जला नहीं करते, इसमें कुछ एक कप चाय मैं ले लेती हूँ। तो 4 बजे के आसपास मैं चाय पीऊँगी एक बार और फिर तारे देख के व्रत खुलता है। शाम को तारे किस टाइम दिखेंगे पता नहीं, 6:30-7 बजे तक दिखते हैं। तो वो जो एक तारा होता है उसको देख के, जो पहला तारा दिखता है उसको देख के अग्र दिया जाता है और फिर फास्ट खुल जाता है, फिर हम खाना खा सकते हैं। और ये है आज का मेरा लुक। मैंने पहना है रेड कलर का अनारकली और इसके साथ मैचिंग झुमके और चूड़ियाँ तो पहननी होती हैं। तो इसमें एक बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं सूट में। बहुत ही प्यारा सूट है और बहुत ही कम्फर्टेबल भी है, हल्का फुल्का और अच्छा फील हो रहा है, मतलब कम्फर्टेबल फील हो रहा है। और यहाँ मैं सोना के साथ खेल रही हूँ, उसने मेरी चुन्नी ओढ़ ली है और अब दे ही नहीं रही है। मामा मामा मत, चुन्नी क्यों ओढ़ी आपने? मामा ये तो अब हो गया है चाय का टाइम, 4 बज गए हैं। तो चाय पीऊंगी, चाय से पहले बच्चों को दे देती हूँ दूध। और दूध में मैं चीनी की बजाय, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो चीनी के बदले में मैंने पताशे डालना शुरू कर दिया है। क्योंकि पताशा जो होता है ना वो थोड़ा सा बोलते हैं कि ठंड नहीं लग देता, गर्म होता है, तो इसीलिए मैं बच्चों के दूध में चीनी को रिप्लेस करके पताशे पर आ गई हूँ। और इनको मैं दूध डाल के दे देती हूँ, साथ में ब्रेड और चॉकलेट वाली ब्रेड खा रहे हैं, मतलब चॉकलेट स्प्रेड लगा दिया, न्यूट्रेला लगा दिया तो वो खा रहे हैं। छोटे वाले को भी बोतल में ही पीती है, छुड़वानी है मुझे उसकी बोतल, कैसे छुड़वाऊँ, छोड़ ही नहीं रही है। छुड़वानी तो है मुझे बट छोड़ नहीं रही है वो। मैंने ट्राई किया बहुत बार, मैं अलग अलग तरीके की ग्लास व्लास कप वप लेके आई बट वो छोड़ने को राजी नहीं है, रोने लग जाती है, बोतल में ही पीती है। तो मेरे को लगता है चलो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम और उसके बाद छुड़वा देंगे, बट ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। थोड़ा थोड़ा टाइम करके, ये 2 साल की होने वाली है, अभी तो खैर नहीं, अभी तो कई महीने हैं 2 साल की होने में, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि बोतल छोड़ दे। चॉकलेट को मुँह पे लगा लिया, जल्दी दिखाओ गुन्नू, दूध फिनिश करो अपना और ये जो पूरा ब्रेड फिनिश करना है, ठीक है, पूरा ब्रेड फिनिश करना है, इतना कार्टून में ध्यान कर दो, खाने में दो। ये मेरी चाय उबल रही है और इसमें मैं ग्लास में पीऊंगी आज, क्योंकि जिस दिन फास्ट होता है ना उस दिन बोलते हैं कि वो कप जो होते हैं ना चीनी मिट्टी वाले वो यूज़ नहीं करते, स्टील के बर्तन यूज़ करने चाहिए।
पता नहीं, रीज़न तो मुझे पता नहीं है। और मैं अब चाय डाल के पी लेती हूँ। वैसे मुझे बिल्कुल भूख प्यास कुछ नहीं लगी हुई है। वैसे भी देखो खाना तो वैसे भी 9 बजे ही खाया जाता है, ऐसा नहीं है कि तारे देख के जल्दी खा लेंगे, 9 बजे ही खाया जाता है, तो इतना कुछ है नहीं, इतना तो कंट्रोल करना चाहिए। फास्टिंग ज़रूरी होती है हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। मैं तो ये सोच के करती हूँ कि दोनों चीज़ें हो रही है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। फास्ट भी हो रहा है, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, और हमारे संस्कार जो हमारे कस्टम है, हमारा जो रीति रिवाज है वो भी फॉलो कर रहे हैं, और साथ में हमारा हमारी बॉडी भी डिटॉक्स हो रही है, क्योंकि हम फास्टिंग कर रहे हैं तो बॉडी को भी रिलैक्स मिल रहा है, एक दिन का उसको डिटॉक्स होने का टाइम मिल रहा है। तो फास्ट हमेशा करने चाहिए, मैं तो प्रेफर करती हूँ फास्ट करना, कभी भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इस दिन करना है। जब मेरे को लगता है कि कुछ हैवी हो गया तो मैं फास्ट कर लेती हूँ किसी भी दिन। तो फास्टिंग मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं करती रहती हूँ, तो ये मेरे लिए नॉर्मल है, मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगी हुई है, मैं इंजॉय कर रही हूँ इस फास्ट को। ये मैं बना रही हूँ हलवा, मैंने घी डाल दिया, इसमें थोड़ा सा सूजी डालूंगी, और सूजी ज़्यादा डालूंगी और बेसन कम, दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ हमेशा, उससे ना टेस्टी बनता है हलवा बहुत। बेसन और सूजी को मिक्स करके आप भी बनाना, बहुत अच्छा बनता है, बेसन का भी टेस्ट आ जाता है, सूजी का भी, और वो जो गांठे बढ़ जाती है ना बेसन में वो भी नहीं पड़ेंगी। घी हलवे में तो घी होना ही चाहिए, जब भी अच्छा लगता है। फुल गैस पे ही हलवा बनाती हूँ मैं, और इस वाली कढ़ाई में जल्दी बन जाता है, क्योंकि ये लेड इस पे लगाने के बाद जलता नहीं है, इसलिए ढक के बनाती हूँ। हलवा कॉमनली क्या करते हैं कि खुला करके बनाते हैं, ओपन करके, मतलब ऊपर से कुछ भी ढकते नहीं है, तो उससे क्या होता है पूरे छिटे छिटे लग जाते हैं। ये वाली कढ़ाई मैंने स्पेशल हलवे के लिए, इसमें लिड लगाओ और ये पूरा बाहर निकलता नहीं है कुछ भी, ना ही जलता है अंदर से, बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा। फुल गैस पे देखो, फुल है बिल्कुल गैस, और जो जल्दी बन जाएगा। अब मैं इसको देख लेती हूँ सिम करके, देखो बन गया है और बिल्कुल भी नहीं लगा होगा, ये पूरा हिल रहा है, देखो लगा नहीं ना बिल्कुल, देखो बिल्कुल नहीं लगता इसमें, ये हलवे के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल साइड से बिल्कुल निकल गया, चिपक नहीं रहा बिल्कुल भी, इसका मतलब ये है कि हलवा रेडी हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ, ये मैंने ड्राई फ्रूट काट रखे हैं, बादाम काजू और ये पिस्ता, ये सारे इसमें मैं डाल देती हूँ, क्योंकि हलवा हो गया रेडी। इसमें मिनटों में हलवा बन जाता है इस वाली कढ़ाई में, इसलिए मुझे हलवा बनाने में टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। हलवा रेडी हो गया, अब इसको गैस को बंद करके मैं इसको ढक के ही रखूँ, ताकि ये इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सब मिक्स हो जाए। अब बाकी चीजें बना लेती हूँ, नहीं अभी मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है, उसके बाद में खाना। और अब तारा निकल गया है और मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने थाली रेडी कर ली है, ये जो हलवा बनाया है मैंने भोग के लिए वो है, और दिया जला दिया है मैंने, चांदी का सिक्का है और फूल है और धूप है और फल और ये सब रखे ही थे मैंने, और ये वही माँ है। अब पूजा कर लेते हैं स्टार्ट। जय होई माँ, बोलो सारे होई माँ की जय। अब करते हैं हम कथा, तो मैंने बोल दी थी, तो अब आरती करते हैं, गणेश जी की करते हैं और होई माँ की, हाँ तो आरती करते हैं चलो। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोये मुसे की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको जावत नित्य मंगलाता। ओम जय अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता। अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, जय अहोई माँ की जय, बोलो जय अहोई माँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
ना, मम्मा को पिलाना है। वेरी गुड। बहुत लंबी उम्र दे भगवान, है ना, है ना छोटा। और पिलाएगी, कितना पिलाएगी? कितना पिलाएगी? सारा पियो। ओके इवेंट डाल लिया हमका। अभी खाना बनाने टाइम है क्योंकि हम लोग रात को मैगी खाते हैं। उसके पापा नहीं आए अभी, तो फिर खाना उनके साथ खाएंगे फैमिली के। तो हलवा बन गया था, तो हलवा खा लेते हैं। पहले अपना व्रत तो खोल लेते हैं क्योंकि पानी दे दिया है, व्रत खुल गया है। तो हलवा हलवे से व्रत खोल लेते हैं, मीठा मुँह कर लेते हैं पहले, है ना। चलो हलवा खिलाते हैं सबको। चलो हलवा खाना है ना। ये हो गया खाना रेडी। ये है कढ़ाई पनीर और ये आलू की सब्जी, ये मिर्च मेरी फेवरेट, ये लस्सी और ये रोटी। और अब मैं हलवा मैंने खा लिया था अपना, फास्ट खोल लिया था, अब मैं खाना खा लेती हूँ। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, गिरेगी गिरेगी, आज के लिए इतना ही। मैं भी खाना खा लेती हूँ और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी अहोई अष्टमी। और क्या बोलूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए। बाय बाय फ्रेंड।